What are the subjects that are in CSS? इसके अलावा how to choose optional subjects? Can you suggest some good combinations? अच्छा, जो इसके subjects हैं काफ़ी इसके हैं, आप कह सकते हैं इसके मेरे ख्याल 7-8 groups हैं, और उन groups के अंदर इन्होंने जो CSS का syllabus इन्होंने बनाया, उन्होंने बड़ा smartly कुछ subjects को एक major theme के अंदर जो है उन्होंने subjects के groups बनाए हैं, ठीक है? तो वो आप सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, मैं इसके ऊपर अपना एम्फसिस करता हूँ। देखिए, इसकी आपने ना एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है उसको फॉलो करना है। आपने जो भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपकी सबसे जो पहली शर्त है जो आपने देखनी है, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है जो आपका होना चाहिए, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात, वो होना चाहिए कि आपका क्या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है? इसका तायुन आपने कैसे करना है, इसका तायुन आपने करना है इसके पास पेपर्स का जाके आपने सिर्फ थोड़ा सा जायजा लेना है, और आपने देखना है कि क्वेश्चंस पढ़ के आपको कितने फेमिलियर लगते हैं, क्योंकि जाहिर है जिस एज के अंदर आप मौजूद हैं आपका कोई ना कोई ताल्लुक बाहर की दुनिया के साथ है, वो न्यूज़ की सूरत में है, सोशल मीडिया की सूरत में, किसी भी सूरत में हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी पता होती है, ठीक है? मिसाल ले लीजिए, अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या है, आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, ठीक है? आप तो ब्यूरोक्रेसी के लिए इम्तहान दे रहे हैं, ठीक है? तो ये पॉलिटिकल साइंस के बड़े कोर्स टॉपिक्स में से आ जाती है बात, ठीक है? इसके अलावा फॉरेन रिलेशंस के ऊपर आप अक्सर गुफ्तगु सुनते होंगे, आप जो है किसी भी साउथ चाइना सी के ऊपर थोड़ी बहुत तसल के बारे में आपने सुन लिया, ठीक है? सो ये तमाम बातें मतलब मिसाल के तौर पर आपने जो सुनी हुई, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपको अप्लाई होती नजर आएंगी, ठीक? तो जब आप पेपर को देखेंगे, उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सबसे पहली शर्त वो यही है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, फिर वो फिजिक्स भी हो सकती है, केमिस्ट्री भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट। अच्छा, ये वाला आपने क्राइटेरिया देख लिया, आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया 3 से 4 सब्जेक्ट को, आपने कहा कि इनमें मेरा इंटरेस्ट है, ठीक हो गया। फिर आप आए दूसरे क्राइटेरिया के ऊपर। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपकी एकेडेमिक रेलेवेंस किसके साथ है, ठीक है? अब मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं, मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की भी है। यूटी लाहौर में जब मैं था तो मैं डिबेट्स में काफ़ी एक्टिव था, और उसमें फिर मैंने जो है उसकी वजह से मैं प्रेसिडेंट रहा हुआ था, तो उसकी वजह से आई हैड टू स्टडी क्वाइट अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना पड़ता था, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना पड़ता था, इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता था, तो मेरी बेस बनी हुई थी इन सब्जेक्ट्स के बारे में। सो मेरे केस के अंदर मेरी आप कह सकते हैं कि एक तरह की एकेडमिक रेलेवेंस भी थी पॉलिटिकल साइंस के साथ, मेरा इंटरेस्ट भी था, मेरी एकेडमिक रेलेवेंस भी बनी थी। मेरा इंटरेस्ट जो था वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में नहीं था, ऑल्दो मेरी एकेडमिक रेलेवेंस बनी थी, तो इसलिए उनको मैंने साइड पर कर दिया था, मैंने उनको ऑप्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस लेके चला, मेरे वो पहले क्राइटेरिया पे भी पूरा उतरा, दूसरे क्राइटेरिया पे भी पूरा उतरा। फिर आ जाते हैं हम तीसरे क्राइटेरिया के ऊपर। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, आप देखिए कि आप जो सब्जेक्ट चूज़ करें वो ओवरलैप कितना ज़्यादा करते हैं, क्योंकि देखिए CSS है, आपने गिवन टाइम के अंदर करना है, आप कोशिश करके हमेशा 7-8 महीनों में मैक्सिमम तैयारी करने की कोशिश करते हैं। उन 7-8 महीनों में तैयारी करने का फ़ायदा आपको आपको कुछ जो कुछ चीज़ें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, वो एक 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 क्राइटेरिया है, एक एक उसका आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट ये है कि अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं वो ओवरलैप करते हो, यही आपका तीसरा क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि आया आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो ओवरलैप करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, मिसाल ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस, ये ओवरलैप करता है US हिस्ट्री के साथ भी, ये ओवरलैप करता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ भी, ठीक है, टू सम एक्सटेंट ये ओवरलैप करता है करंट अफेयर पाक अफेयर के साथ। इंटरनेशनल रिलेशंस की मिसाल लेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने से फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपका जो टाइम इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में लगना था वो उसमें कमी पेशी आ जाएगी, क्योंकि अगर एक चीज़ मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुका हूँ वही चीज़ अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सिलेबस में भी है तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो मेरी ऑलरेडी कवर्ड होगी। इसी तरह जो चीज़ मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुका हूँ अगर वो US हिस्ट्री में भी पढ़नी पड़ रही है तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो मेरा ओवरऑल टाइम कम लगता है। तो ये थी हमारी तीसरा क्राइटेरिया आपका ओवरलैपिंग। लास्ट पे जो मेरे नज़रिए में क्राइटेरिया आते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में, दैट इज़ द स्कोरिंग ट्रेंड। मेरे नज़रिए की सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और मैं आपको जस्टिफिकेशन भी देता हूँ। देखिए, अगर आपका एक सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपकी एकेडमिक रेलेवेंस नहीं है, ठीक है, अगर वो ओवरलैप नहीं करता, तो आप स्कोरिंग ट्रेंड को एक यार्डस्टिक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उस सब्जेक्ट को सही से प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, अगर आपकी एकेडमिक रेलेवेंस नहीं होगी आपकी इसमें बेस नहीं होगी, ठीक है? फिर
अगर वो ओवरलैप नहीं करता होगा तो आपको उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और इसकी वजह से हो सकता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट जो है वो ओवरशैडो हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये है कि अव्वल तो उसमें आपके नंबर उस हिसाब से आएंगे भी नहीं क्योंकि आपको उसमें पहली सतह पर इंटरेस्ट नहीं है, और अगर चले बिलफर्ज आ भी जाते हैं तो हो सकता है कि वो जो ज़्यादा नंबर आप थोड़े से ले लेंगे उस उनको हासिल करने के लिए आपने जिन सब्जेक्ट्स को जो है इग्नोर कर दिया था उस पे वक्त लगाने की वजह से, ओवरलैपिंग ना होने की वजह से, उनमें आपके नंबर कम हो जाए तो ओवरऑल जो नेट इफेक्ट है ना उस पे आपका कोई जो है उसका असर नहीं होगा, बल्कि अगर हुआ भी तो वो नेगेटिव पड़ता है। तो मेरे ख्याल से असूली तौर पे आपको हमेशा जो मैंने आपको फोर प्रॉन्ग क्राइटेरिया बताया है उसमें आपने इक्रोनोलॉजी में चलना है, जिसके अंदर आप सबसे पहले देखिए आपका इंटरेस्ट किस में, फिर आप देखिए कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड किस में, देन ओवरलैपिंग नेचर है या नहीं है, एंड देन लास्ट पे जाके देखें कि स्कोरिंग ट्रेंड किसका बेहतर है। ठीक हो गया, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके तहत आप जो है अपना जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसको आप आसान बना सकते हैं।